आप देख रहे हैं यस्टीव खबर। हमारे साथ अनूप भगेरिया जी हैं। आपको बता दें, पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इन्हें विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे हैं, जो इनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। हालांकि जिस शख्स ने इन्होंने फ़ोन किया, उसका संबंध संपत नेहरा गैंग से बता रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी पुलिस के द्वारा नहीं हुई है। हमारे साथ अनूप भगेरिया जी हैं, जिनसे खुद बातचीत करेंगे और इन्हीं की जबानी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। मेरे को गुरुवार 24 तारीख से ये शाम को 6 बजे पहला कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि तेरा नेट चालू कर। तो मेरे पास नेट का रिचार्ज नहीं है, तो वो उसने उसी पर कर लिया और बोला कि क्या देगा, कितने देगा, किस चीज़ के कितने क्या हो। फिर वो मेरे को फ़ोन काट गया, बोले मैं रात को फ़ोन करूँगा, रिचार्ज करके रखना। फिर रात को 8 बजे आया, मैंने उठाया नहीं। फिर 11 बजे आया, तो 11 बजे उसने कहा पैसे चाहिए 50 लाख रुपए जीने के लिए, जीना है तो 50 लाख रुपए दो और वरना ऊपर जाने की तैयारी करो। व्हाट्सअप कॉल था? व्हाट्सअप विदेशी कॉल ऐप बना के इंटरनेट द्वारा, सेकेंड लाइन के द्वारा। हाँ, तो फिर उसने काट दिया, बोले मैं कल फिर करूँगा तेरे को। फिर अगले दिन शाम को 7 बजे फिर आया, 7 बजे फ़ोन आया तो उसने कहा फिर मैं उनको 50 लाख मेरे पास तो नहीं है, तो बोले फिर मरने के लिए तैयार रहना। इसके बाद में आपने क्या किया, पुलिस को कब बताया? मैंने पुलिस में जाके मुकदमा कर दिया 25 तारीख को शाम को, और जिस वक्त मैं थाने में पहुंचा था उसी वक्त थाने में भी उसका फ़ोन आ गया था। उसने 14 मिनट बात की, फिर वो बोला लो तेरे सीधी संपत भाई से बात कर देता हूँ। संपत नेहरा। तो उसने किसी दूसरे आदमी से संपत बता रहा था, वो अपने आप को उसने बात की और वो बोल रहा था भाई देने पड़ेंगे पैसे। तो क्या इससे पहले भी कोई आपको पहले कोई कॉल या मैसेजेस ऐसे आए? मेरे को 2 महीने पहले इस रिंकू सोनी ने फ़ोन किया था, 2 महीने पहले, कि तेरे पास कोई ऐसे ऐसे पैसे मांगने के लिए फ़ोन आएगा, तू फ़ोन मत उठाना। मैंने उस बात को 2-3 दिन तो वेट किया कि कोई आएगा, फिर नहीं आया। उसके बाद ये अभी आया है।